नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मालती शर्मा पर। आशा करती हूँ आप अपने अपने घरों में राजी खुशी से होंगे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार गाय को रोज़ ये फल खिलाने से दुख दरिद्रता रहती है कोसों मील दूर और व्यक्ति पर माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि गाय में सभी देवता वास करते हैं और वह हमारी माता स्वरूप है, इसलिए गाय की सेवा करने से समस्त संसार की सेवा करने का पुण्य फल मिलता है। गाय की सेवा करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। गाय की सेवा करने वाला मृत्यु के पश्चात गोलोक में जाकर भगवान श्री कृष्ण के साथ निवास करता है। हमारे पुराणों के अनुसार गाय को कामधेनु अर्थात सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली माना गया है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि गौ माता की कृपा पाने के लिए मनुष्य को कौन सा फल रोज़ गौ माता को खिलाना चाहिए, जो माँ कामधेनु को अति प्रिय है। पर उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लें और साथ में बने बेल बटन को दबाना भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, गाय के सींगों के अगर भाग में साक्षात जनार्दन विष्णु स्वरूप भगवान वेद व्यास जी निवास करते हैं, इसलिए जब भी आपके घर पर गाय आए तो उसके माथे पर हाथ लगाकर माथा टेक कर उन्हें प्रणाम करना चाहिए। गौ माता के सींगों की जड़ में माता पार्वती और मध्या में शंकर भगवान निवास करते हैं, कहते हैं इसलिए गौ माता के सींगों की कुमकुम लगाकर पार्वती जी की आराधना करनी चाहिए और मध्य में तिलक लगाकर देवादिदेव शंकर भगवान जी की पूजा करनी चाहिए। गौ माता के मस्तक में ब्रह्मदेव, कंधे में बृहस्पति, ललाट में भगवान शंकर, कानों में अश्विनी और नेत्रों में सूर्या और चंद्रमा रहते हैं। इस प्रकार गाय की सेवा करने से आपको सभी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गौ माता के दांतों में ऋषिगण, जिब्हा में माँ सरस्वती और वक्ष स्थल और पिंडलियों में सभी देवता विराजमान रहते हैं। माता के खुरों के मध्य भाग में गंधर्व, अगर भाग में शेषनाग और पिछले भाग में अपसराओं का स्थान है। गौ माता के पीछे के स्थान में पितरगणों का तथा गाय की चमड़ी में प्रजापति निवास करते हैं। गुदा में सारे तीर्थ, मूत्र स्थान में गंगा जी, रोम कूपों में ऋषिगण निवास करते हैं। भविष्य पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्मांड पुराण में गाय के अंग प्रत्यंग में सभी देवी देवताओं का विस्तार से वर्णन है, इसलिए गाय को पानी से हो सके जब मौका मिले तो नहलाएं भी जरूर और गौ माता को रोटी भी खिलानी चाहिए। पुराणों के अनुसार गाय को प्रतिदिन केला खिलाने, रोटी खिलाने या चारा खिलाने से बड़ा ही पुण्य मिलता है। केला भगवान विष्णु जी को अति प्रिय है, इसलिए गौ माता को केला खिलाने से मनुष्य के दुख दरिद्र और क्लेश दूर होते हैं। इसलिए घर पर आई गाय को केला जरूर खिलाएं, ताकि आपकी सारी परेशानियां दूर हों, धन की वृद्धि हो और आपकी जो भी मनोकामना होगी वो जरूर पूर्ण होगी। दोस्तों, ये थी कुछ गाय के बारे में महत्वपूर्ण बातें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ एक महत्वपूर्ण बात के साथ। थैंक यू।